सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में गोल्स होते हैं और उन गोल्स को पूरा करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एकाग्रता के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राजा को अपने सेनापति का चुनाव करना था। इसके लिए उसने एक प्रतियोगिता रखवाई। उस राज्य के सभी धनुर्धरों को उस प्रतियोगिता में बुलाया गया। राजा ने घोषणा करते हुए कहा, एक गेंद को आसमान में ऊपर की ओर फेंका जाएगा। जिस भी धनुर्धारी का तीर उस गेंद में लगेगा, उसी को सेनापति बनाया जाएगा। साथ ही साथ राजा ने यह भी बताया कि इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बहुत से सैनिक घोड़ों पर सवार होकर एक दूसरे पर तीर चलाते रहेंगे। प्रतियोगिता को शुरू किया गया। पूरे मैदान में घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे और सैनिक एक दूसरे पर तीर चलाने लगे। इसी बीच एक आदमी गेंद लेते हुए मैदान में आया और उसने पूरे बल से उस गेंद को आसमान की ओर फेंक दिया। सभी धनुर्धरों ने अपना अपना तीर छोड़ दिया। जब गेंद वापस मैदान में गिरी तो उस पर एक तीर लगा हुआ था। उस व्यक्ति को उस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया और उसे सेनापति बना दिया गया। क्या आप जानते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति का तीर उस गेंद पर क्यों लगा? क्योंकि जब गेंद को ऊपर आसमान में फेंका गया था तो ज़्यादातर धनुर्धारियों का ध्यान नीचे दौड़ते हुए घोड़ों और सैनिकों के द्वारा छोड़े गए तीरों पर था, जिसके कारण उन सभी की एकाग्रता भंग हो गई। उन सभी में से केवल एक ही इंसान अपनी एकाग्रता को बनाए हुए था और वह उस प्रतियोगिता को जीत गया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि एकाग्रता के बिना जीवन उस गाड़ी के समान होता है जिसका कोई ड्राइवर नहीं होता। जिस भी इंसान में एकाग्रता होती है उसे अपनी गोल्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह अपनी सारी एनर्जी उसी गोल को हासिल करने में लगा देता है और सफल हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिंदगी में एकाग्रता का होना क्यों जरूरी है। अब आप ऑडियो के साथ फ्री में किताबें सुन सकते हैं। एक महीने के लिए 2 किताबें फ्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।